देखिए ये भी गाड़ी आ गई यीशु भाई की। आगे 5 किलोमीटर है भैया, अगर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे, अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो इनको कम हम थोड़ी देर में 5 मिनट में कैलाश पर्वत पर होंगे आज। देखिए गाइस यहाँ से देवस्थल भी दिख रहा है सामने। कैसा लगा आज फर्स्ट बार आए थे आप? मजा आ गया, मतलब हमारे साथ तेज भाई इस प्रांगण को थोड़ा खाली कर। देखिए गाइस कोई है नहीं, किसको मांगूं? मेरे को ही मांग लेती। कैसा लग रहा है भोलेनाथ की नगरी में? ये है रानी बाग में काफी ज्यादा जाम है यार। जय श्री राम, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आप लोग देख रहे हैं बोहरा पहाड़ी यूट्यूब चैनल और मैं हूं सूरज। तो गाइस आज है 8 मार्च और आज मैं जाने वाला हूं छोटा कैलाश पर्वत और अभी टाइम हो रहा है 7:00। तो गाइस अभी मैं तैयार तो हो गया हूं, अभी हम लोग निकलेंगे यहां से 7:30 बजे। तो गाइस अभी हम लोग हैं रानी बाग में और अभी चलते हैं, थोड़ा ठंडा हो रहा था, मैंने जैकेट वगैरह पहन लिए। देखिए गाइस अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, बिक्की भाई आगे से आ गए हमारे। ये देखिए ये भी गाड़ी आ गई यीशु भाई की। अभी हम लोग हैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में और हम लोग जा रहे हैं छोटा कैलाश पर्वत जैसे मैंने आपको बताया था। तो गाइस ये खूबसूरत नज़ारा और महादेव की कृपा है हम लोग आज जा पा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ हमारे इस व्लॉग में आप सभी लोगों को बने रहना है। गाइस अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अब होता है हमारा पैदल का रास्ता शुरू। काफ़ी लोग तो वापस भी आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी है, सब ऐसी लगा के चल देते हैं। देखिए गाइस ये सीन है, भीड़ तो कम है ज़्यादा नहीं है और वो हमारे सामने दिख रहा है गोला पार। देखिए देखिए इतना वहाँ ट्रैफिक जाम हुआ है। अभी तो हम लोग चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्ट रास्ते से चल रहे हैं, फिर तो खुद ही विश्वास हो जाएगा भाई। ये देखिए गाइस यहाँ पे भांग मिल रही है भोले की जड़ी, वो है गाइस उस टॉप के बाद एक टॉप फिर पड़ता है, ठीक है वही है हमारा छोटा कैलाश। तो गाइस ये अभी हम लोग पहुँचे हैं फर्स्ट गेट, अभी तो बहुत दूर है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँचेंगे। और हमारे घर से पूजा और लक्की भी आ रहे हैं तो वो लोग तो अभी भीमताल में है, मैं यहाँ पहुँच गया। ऐसा ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं दिख रही मेरे को, देख सकते हैं कम कम ही लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। अभी ऊपर ऊपर हो सकती है भीड़, माई यहाँ तो क्या ही बोले। गाइस हम लोग इस रास्ते से आए, अभी रास्ता तो वहाँ से है, क्या करें खून में गर्मी ज़्यादा है इस वजह से हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। रास्ता है वहाँ से, हम लोग आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ देखो इस तरफ अभी ये सीन चल रहा है। सब ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम लोग चले हैं यहाँ से, थोड़ी देर में हम लोग होंगे छोटे कैलाश पर्वत पर। थकान भी ज़्यादा हो नहीं रहा वैसे, सब कुछ नॉर्मल है, धूप भी ज़्यादा नहीं है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है जाने के लिए। रात में बारिश हो सकती है, रात का कोई भरोसा नहीं रहता क्योंकि शिवरात्रि का टाइम है, रात में तो ज़रूर होती है। भाई जब अभी यहाँ पे भाई लोग मिले हैं दर्शन करके आगे 5 किलोमीटर है भैया, अगर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे, अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो इनको कम से कम ज्यादा टाइम लगेगा। ना ना मैं तो पहुंच जाऊंगा, और आराम से घर जाना, बढ़िया करके जाना, दर्शन अच्छे से करना, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। वहां बैठे गाइस हमारे महादेव, हम थोड़ी देर में 5 मिनट में कैलाश पर्वत पर होंगे आज। कैलाश छोटे कैलाश पर्वत देखिए गाइस यहाँ से देवस्थल भी दिख रहा है सामने, हमने गाइस है देवस्थल। गाइस 11 बजे हैं, हम लोग अभी जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। ताऊ जी बहुत ही जल्दी आ गए थे, 5 बजे आ गए थे सुबह, मैं तो तब नहा रहा था जब आए थे।
राहुल जी कैसा लगा आज फर्स्ट बार आए थे आप? मजा आ गया मतलब फोन यहाँ नेटवर्क का है। भोलेनाथ की कृपा मतलब आप पर है ही बिल्कुल पक्का। बस फिर लक्की आ रहा है, पूजा आ रही है। देखिए गाइस काफी अच्छा नजारा है आज देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है हमें। हेलो भाई, हमारे साथ है तेज भाई। गाइस एक दो गिलास आगे पीछे बढ़िया हम लोग। बस बढ़िया यार, इस बार भीड़ कम है गाइस। मैं 2022 में आया था तब थी यहाँ पे भीड़। ये तो जब 5 मिनट का रास्ता बचा, केवल और केवल 5 मिनट। 5 मिनट हम होंगे छोटे कैलाश पर्वत पे। ओ राम, जय श्री राम। गाइस भोले भोले, पहुँच गए पहुँच गए। हेलो हर हर महादेव। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छोटे कैलाश पर्वत और अभी टाइम हो रहा है गाइस मंदिर प्रांगण से बाहर पर प्रस्थान करने का तर्क करेंगे। अभी गाइस 11:20 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं छोटे कैलाश पर्वत पे। यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है गाइस। ये देखिए इस बार का कुछ अलग ही नजारा यहाँ देखने को हमें मिल रहा है गाइस। ये देखिए और आप लोग बहुत ही खूबसूरत नजारा और काफी मात्रा में हमें यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। इस प्रांगण को थोड़ा खाली करने का कष्ट करेंगे ताकि आने वाले श्रद्धालु भी बोलना सबको देखो ज्यादा भी नहीं है। ये देवी मंदिर है यहाँ पे और ये देखिए। तो गाइस अभी फोन और नहीं लग रहा है तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा बहुत देर के लिए। एक बार मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से हेड़ा खान से लोग आते हैं ना पैदल पैदल, वो लोग आते हैं। मेरे नैनीहाल वाले भी आए हैं, हिमांशु भी आया है, अब वो पता नहीं कहाँ है। अभी ढूंढते हैं उसको, पहले मिलेगा वो हमको। और देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ तो नहीं है, मतलब जो होती है पिछले सालों से होती हुई आई है। इस बार भी होगी थोड़ा बहुत, इस बार ज़्यादा तो नहीं हो रही है लेकिन थोड़ा बहुत हो रही है तो ठीक है, अच्छा है। यहाँ से जो है ना हेड़ा खान के लिए पैदल रास्ता यहीं से है, सब लोग यहीं से आते हैं। जो भी लोग पैदल आते हैं ना हेड़ा खान से होते हुए, वो लोगों के लिए यही रास्ता है। दोस्तों ये लोग आ रहे हैं पैदल पैदल, बहुत लोग आते हैं यहाँ से। मैं भी आया था बहुत साल आया हूँ मैं भी इस रास्ते पैदल 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 पैदल। ये है हिमांशु, देखो आज ये पैदल पैदल आया है गाइस बिना चप्पल पहने। हिमांशु क्या हो गया? कुछ तो नहीं। मेरे क्लासमेट ये है पंकज भाई, ये लोग सुबह ही आ गए। पंकज भाई हेलो कर दी भाई। और राजू भाई, ये तो मिलते रहता है यार, राजू हेलो कर यार। पबजी गेमर है गाइस, इसने मेरे को भी गेम खेलना सिखा दिया था एक बार। चचा मिले हैं और चंदन चचा। चचा कुछ बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा तुम्हें। ये चाची लोग, ये मोटी चाची है, ये पतली चाची है मेरी। चचा को ज्यादा हंसी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस अभी तो, दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सूरज को, यहाँ पे ये देखिए, ये अपनी शादी की मन्नत मांगने आए हैं यहाँ। यहाँ पे एक और है गाइस, ये देखिए लक्की, लक्की ना धीरुदा की शादी की मन्नत मांगने आए हैं। धीरुदा दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, मेरा कैमरामैन धीरुदा। हम तुमको थोड़ा दिखा दे रहे हैं मंदिर का, देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग। गाइज आप देख सकते हैं छोटे कैलाश में कितनी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालु की, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हम भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहाँ, देखिए गाइज देख सकते हैं आप। हमने परिक्रमा भी कर ली है और पहाड़ भी पड़ा लिया है और दर्शन भी कर लिए हैं।
आपको भी दर्शन करा दिए होंगे हमारे धीरू भाई ने, और यहाँ से मंदिर परिसर छोड़ गए हैं। यार मैं आपको मंदिर के दर्शन कराना चाहता हूँ और मैं आप सभी को एक बार मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो गाइस ये है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ अभी हो रही है यहाँ पे। सारे यह है सोनी दीदी और पूजा लक्ष्मी धीरू। हर हर महादेव। गाइज ये है उमा मेरी क्लासमेट, और आपका नाम क्या है? तन्नु। ये तन्नु है। उमा उमा भी उमा भी ब्लॉग बना दिया गाइज। मैं नहीं बनाती हूँ, मैंने छोड़ दिया। बीच में बहुत ब्लॉग बनाए थे उमा ने। नहीं बनाती मैं। और उमा कैसा लग रहा है फिर आज यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। कैसा लगता है मंदिर आके? अच्छा लगता है। अपने मन की बात बता। मेरे मन में क्या बताऊँ, मेरे मन में कुछ तो होगा किसी के लिए, कुछ तो किसी के लिए कुछ नहीं। किसको मांगा फिर आज तूने? उमा बता। मैं? किसको मांगा? कोई है नहीं, किसको मांगू? मेरे को ही मांग लेती। गाइस मसाब, मसाब कैसा लग रहा है भोलेनाथ की नगरी में? ये है पपुदा। गाइस पपुदा को आपने पहले भी देख रखा है। पपुदा हर हर महादेव। हेलो भैया। दोस्तों अब हम लोग वापस आ रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 3। अब हम यहाँ से नीचे को उतर रहे हैं, जल्दी पहुँचेंगे, अभी आधे घंटे के लगभग में पहुँच तो जाना चाहिए हमने वैसे तो, और देखते हैं ज़्यादा क्या होता है। हमारे साथ में सर हैं, सर। गाइज आज से धीरू भाई ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये लोग यहाँ पे कुछ सामान वगैरह खरीद रहे हैं, लक्की और पूजा। तो दोस्तों अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गाड़ी में। धीरू ने आज 2 गिलास भांग पिए, लक्की ने 1.5। लक्की, धीरू और पूजा, और ये हम लोग हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने सुबह देखा था कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इस बार तो भीड़ ज़्यादा हुई नहीं है, पता नहीं महादेव के भक्त कहाँ चले गए। 2022 में थी ज़्यादा भीड़ तो। गाइस मेरे को तो थकान भी नहीं लगी है, सब कुछ नॉर्मल है। बहुत ही नज़दीक था, ये वाला रास्ता नज़दीक रहता है। मैं तो 3 बजे चले थे, 4:30 बजे हम लोग रोड से भी आगे पहुँच गए। बहुत गाइस लोग आ रहे हैं वापस, और ऑफ रोडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पे। मतलब देख सकते हैं आप लोग, हालत ख़राब होने वाली रोड है यार, देख सकते हो। स्कूटी के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, और अभी तो कोई गाड़ियाँ ही नहीं है यार, यहाँ कहाँ चली गई आज पूरी रोड। गाइस हमारी ऑफ रोडिंग तो ख़त्म हो चुकी है, अब अच्छी रोड है। अभी तक थी रोड बहुत ही बुरी थी, सब गड्ढे मड्ढे ये वो यार, अब मस्त हो रहा है। अब एकदम बढ़िया रोड है, खराम है। हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से ऊपर को आगे जो है 4 व्हीलर को सब लोग यहीं से भेज रहे थे, और 2 व्हीलर को इस वाली रोड से, वहाँ से ऊपर से घूमते हुए आए थे। पिछले साल हम लोग यहीं से गए थे। और एक यहाँ पे छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत गांव भी है, और एक ऊपर है टॉप में भी, और भीमताल वाले जो उस रोड से गए होंगे भीमताल वाले लोग। रानी बाग में काफ़ी ज़्यादा जाम है यार। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, टाइम 5:27 हो रहा है, और अभी हम लोग रानी बाग पहुँचे। बिल्कुल जाम इतना लगा है ना यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं यार आज। ये देखिए अभी हल्द्वानी के मार्केट का व्यू कुछ इस प्रकार है, और भीड़ भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है।